ये पूरा जो देख रहे हैं मिट्टी का है, हम मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं। बहुत अमेजिंग है, बहुत सही आ जाएगा, इसका टेस्ट भी बहुत बहुत सही होगा। फयाज जी, आप हमें ये कहिए कि ये कब स्टार्ट हुआ, ये कब बना यहाँ पे, और आइडिया कैसे आया आपको, मतलब इतना अच्छा आपने यहाँ पे बनाया, नेचर ज़बरदस्त है यहाँ का। और हाँ, कश्मीर का जो कल्चर है, ओल्ड कल्चर, वो आपने ज़िंदा रखा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। थैंक यू। Hey guys, welcome back to the channel, welcome back to new vlog. I hope कि आप सब सही से सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। व्लॉग की शुरुआत हम अपने श्रीनगर से कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं गांधरबल इको विलेज, इसको हम साग विलेज भी कहते हैं। सो मेरे व्लॉग से बने रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा भाई समझ के कर दो ना यार। अगर आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबा दो ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। सो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इको विलेज की तरफ, लेट्स गो। पहले थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिला, पर ट्रैफिक जाम है थोड़ा सा, हाँ आराम से चलेंगे। एंड हमारे जो पेमेंट वगैरह है वो ऑलरेडी डन हो चुकी है, हमने ऑनलाइन पेमेंट की। साग विलेज इको विलेज है गांधरबल है, वहाँ पर जाने की, वहाँ पर ऑलरेडी पेमेंट डन हो चुकी है। ऑलमोस्ट 699 के आसपास पड़ा हमारा वन पर्सन, तो हम दो है अभी, हमारा पड़ा 1400 के आसपास, जो कि सही है, ऑसम है। उसमें आपका लंच मिल जाएगा, वेलकम ड्रिंक भी मिल जाएगी, ऊपर से हमने पहले ही परमिशन ले ली है ऑनलाइन, वो भी लेनी पड़ी रिकॉर्डिंग करने के लिए, ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें वहाँ वीडियोस वगैरह, अपना व्लॉग्स रिकॉर्ड कर सके। तो कई जगह क्या होता है ना कि रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं होता, जैसे वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है, व्लॉग बनाना या वीडियोस बनाना। बट हमने पहले ही परमिशन ले ली है उनसे हमने पहले डिस्कस किया है कि हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे यहाँ पे, व्लॉग बनाएंगे, तो उन्होंने परमिशन दे दी है, जो कि सही है, पहले लेना चाहिए, बाद में कोई दिक्कत की बात नहीं हो। बट आज का दिन बहुत सही जाएगा, बिकॉज आज के दिन हमें लंच वहीं पर मिल जाएगा, एवरी थिंग इज़ डन, हमें बस वहाँ जाना है, वहाँ का एक्सप्लोर करना है, पूरा का पूरा विलेज एक्सप्लोर करना है। सो अगर आप वहाँ जाते हो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो, अगर आप वीडियोस नहीं बनाते हो तो तब भी बुकिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी। 700 रुपीज़ फॉर द लंच एंड वेलकम ड्रिंक, ऊपर से वो बताएंगे कि इस विलेज को कैसे बनाया हमने, डेवलप कैसे किया, बहुत सही रहेगा हमारे लिए। सो फिलहाल हम यहाँ से चल रहे हैं अपने सोलो बाइक के साथ, एंजॉय करते हुए NH1 लेके हम बढ़ेंगे आगे, बिकॉज इट्स 11:59, 12:10 को पहुँचना था हमें, बट हाँ थोड़ा लेट हो जाएगा, 12:20 के आसपास हम पहुँच जाएंगे वहाँ, थोड़ा लेट हो जाएगा, बट हमारा एवरीथिंग डन है वहाँ, हमें बस जाना है उस इको विलेज को एक्सप्लोर करना है, एंड वी विल हैव फन अ लॉट। चलते चलते हम पहुँच गए गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, एंड वेलकम टू गांधरबल। तो यहाँ से अभी रह चुका हमारा 10 किलोमीटर, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है, उतना दो इतनी राइड तो नहीं होगी, शॉर्ट ही राइड होगी, बट मज़ा आ जाएगा, इंटरेस्टिंग प्लेस है वो। उतनी नॉलेज तो नहीं है मुझे उसके बारे में, इको विलेज के बारे में, कोई नहीं, वो हम वहाँ पे गेन कर लेंगे, आपको भी बताएंगे एंड हम भी जानेंगे इतनी इको विलेज बना कब था, एंड इसको बनाया क्यों है, इसको इको विलेज का नाम किसने दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हमें जानने हैं। वन मोर थिंग, उसको साग विलेज कहते हैं, साग विलेज क्यों कहते हैं वो भी जानना हमें। तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारा डन हो चुका है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, वहाँ पे हमें बंदा भी मिल जाएगा जो हमें उस इको विलेज के बारे में बताएगा। सो एक बात बता दूँ आपको, सिटी का ट्रैफिक तो अभी बहुत सारा नहीं देखा है, कभी पहाड़ों का ट्रैफिक देखा है? ये देखो भाई, ये देखो, इसको कहते हैं पहाड़ों का ट्रैफिक। सिटी का ट्रैफिक तो हम रोज़ ही देखते हैं, बढ़िया है जो है सारा का सारा भाई पहाड़ों का ट्रैफिक है। जब भी हम पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं ये तो ज़रूर मिलते हैं हर जगह, चाहे विंटर हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, ये तो मिल जाते हैं। बहुत ऑसम है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, क्योंकि पीछे जो माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं ना, इससे इतनी ऑसम लग रही है ना जगह, पूछो मत। सो फाइनली हम पहुँच गए साग इको विलेज कश्मीर, होम ऑफ माइंडफुल इको फ्रेंडली रिट्रीट्स, डिलीशियस एंड हेल्दी फूड। ओ भाई बदलार गांधरबल वेबसाइट भी इनकी है, साग इको विलेज डॉट अर्थ, और इनका जो लोकेशन है वो s.page साग इको विलेज है, और नंबर वगैरह तो यहाँ पे है ही, बहुत सही। यहाँ से अपना 1 किलोमीटर रह चुका है, सो फटाफट चले जाए वहाँ। सो यहाँ से बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। अबे गूगल मैप्स क्या क्या कर क्या रहा है भाई, गूगल मैप्स पता नहीं यार क्या ही सीन है इनका यार, ये गूगल मैप्स सही सही दिखाता नहीं है रास्ता, ये कहाँ कहाँ ले आया भाई,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ गूगल में ऐसे कोई भरोसा नहीं कर रहे का भाई। मुझे ट्रस्ट नहीं यार गूगल में इस पर, समझ रहे हो ना। ऑलमोस्ट पहुँच गए हम, 550 मीटर्स का फासला है। ऐसे देख रहे हो ना ग्रीन ग्रीन सा सारा कुछ, तो लग रहा है कि हम पहुँच गए। सही है भाई, गजब है ना, चेक करना भाई, सही है ना भाई, बहुत आसम है भाई, बहुत आसम। यहाँ से चेक करें आप, ओए होए 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 होए, वेलकम टू साग विलेज, डू नॉट गो टू प्राइवेट एरियाज, वॉक स्लोली, टॉक सॉफ्टली, हैव क्वेश्चंस, आस्क, थैंक यू, नो वीडियोज एंड फोटोज, बट परमिशन ले ली हमने ऑलरेडी, बिकॉज वी हैव टू, परमिशन लेनी ज़रूरी है भाई, क्योंकि हमें परमिशन चाहिए इस चीज़ की। एंड फाइनली हम अराइव कर चुके हैं, एंड लुक, वेलकम खुश आमदीद, प्रीव्यूइंग, हमने प्रीव्यूइंग ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड यहाँ से देखना कश्मीरी स्टाइल में पुराना हुआ नुमाया दिख, जिसे हम कहते हैं, जो सूखा हुआ घास है ना वहाँ लगा हुआ है, जो कि बहुत सही है, जो हमारा ट्रैक था ना यहाँ साइड से, लुक हाई, वो बहुत आसम था, बहुत सही था, उनको बहुत मज़ा आ गया ट्रैक में। सो फिलहाल हम यहाँ से चलेंगे अंदर की तरफ। मेरा इको विलेज है यहाँ का, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है, नोमैडिक लाइफ होती है ना वैसी वाली है, आपको बैठने के लिए ना ऐसे देखो लकड़ी का बनाए भी, वो पुराने वाले, इसको हम वगू कहते हैं, वगू कहते हैं ना ऐसे, वगू वगू कहते हैं ऐसे, ये भी बनाए, और नीचे लकड़ी लगी है वो भी प्योर वाली है भाई। वहाँ से एक और है, यहाँ से आप कैरम वगैरह भी खेल सकते हो, यहाँ से देखो ना, चेक करो आप, बहुत सही है भाई, बहुत आसम है। एंड फाइनली हमारा वेलकम ड्रिंक आ चुका है, एंड लुक, हाँ भाई कहवा है, चलिए इसको टेस्ट करते हैं, देखते क्या है। प्योर वाली ट्रे है ना भाई, वो भी प्योर लकड़ी से बनी है, एंड टेस्ट कैसा है, ज़बरदस्त, बहुत सही ना, मैं ना टेस्ट कर रहा हूँ इसको, मैंने वेलकम ड्रिंक दिया है, क्या मस्त लग रहा है ना, आह बहुत आसम है भाई। एंड लुक, यहाँ से लिखा क्या है, कश्मीर, मतलब जो ट्रे है ना वो पूरी लकड़ी से बनी है, ऑसम है यार, मतलब नोमैडिक लाइफ है ना इसी को कहते हैं भाई, बहुत ऑसम है, प्योर है, एकदम प्योर है। तो फिलहाल इस ड्रिंक को, वेलकम ड्रिंक जो है ना आपका, इसको ख़त्म कर देते हैं लोग, इसको ख़त्म करके मिलते हैं आपसे। मोहम्मद नवाज साहब मिले जो हमारे आज के गाइड है, बिस्मिल्लाह, यहाँ गो अच्छा, मतलब नाइट स्पेंड करने के लिए, नाइट वेकेशन कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे कैंपिंग करते हैं ये सारे, अच्छा कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग के लिए यहाँ पे बनाए इन्होंने, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। तो मतलब ये बनाया है ना नोमैडिक, मतलब ऐसा है ना, लाइट वगैरह कैसी लगी है, बहुत सही। तो यहाँ पे आपका कैंपिंग वगैरह होगा, आपको कैंपिंग करना है तो यहाँ पे आप कैंप कर सकते हो, यहाँ पे वो कैंपिंग करते हैं, और यहाँ पे मतलब बाकी वो देखते हैं कि वो बोर्ड लगा है, प्रोजेक्टर बोर्ड उनके लिए, अच्छा प्रोजेक्टर बोर्ड भी लगा उनके लिए, अच्छा वो हम नाइट यहाँ पे स्पेंड करते हैं, और पढ़ाई वगैरह भी यहीं पे करते हैं, पढ़ाई यहाँ करते हैं, नेक्स्ट डे के लिए अलग रूम है। सो यहाँ माड़ा हुसैन का लुक, माड़ा हाउस तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, देखा है बट ये बहुत अच्छा होगा, हाँ ये चल रहा है, बहुत ठंडा है यार ये, तो ये पढ़ लेना आप, मतलब बहुत ठंडा है यहाँ पे, मतलब रह सकते हैं अगर कोई आ सकता है, नाइट नाइट स्टे कर, नाइट स्टे के लिए कि बहुत सही है ये जो प्लेस है आपके नाइट स्टे करने के लिए। सो बताऊँगा आपको, जो जो मैंने रूम दिखाया अभी, इसमें आपका 3500 पड़ जाएगा, इसमें आप 6 पर्सन रह सकते हैं आराम से, मतलब मैं ऐसा बता सकता हूँ कि 500 पर पर्सन पड़ जाएगा, 500-600 के आसपास, उसमें आपका ब्रेकफास्ट प्लस हैंडमेड रोटी है ना जो हाथ से बनी होती है मकई वगैरह की, एंड आपको उबले हुए अंडे वगैरह मिल जाएंगे। सो फिलहाल यहाँ से चलेंगे हम, यहाँ से भी देखते हैं यहाँ से कैसा है, चाचा के नाम पर, अच्छा अच्छा चाचा के नाम पर, चाचा का हाल है ये, हाल बनाए चाचा हाल, इसमें हमने पूरा म्यूजिक व्यूजिक का सिस्टम रखा है, हाँ तो यहाँ हमारे 10-15 गेस्ट थे मुंबई के, तो अभी वो 5 बजे सुबह निकले हैं, अच्छा अभी तक हमारे बंदे उसी के साथ लगे हुए थे, अच्छा मतलब क्लियर है, पूरा नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैसी है थोड़ा सा, क्योंकि इनके गेस्ट आए हुए थे बॉम्बे से, वो निकल चुके हैं अब, इसलिए 10-15 लोग आराम से बैठ सकते हैं, मतलब अच्छा खासा हॉल बनाया है, बहुत अच्छा, इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ, ये प्रोजेक्टर हमने बनाया है, तो यहाँ म्यूजिक व्यूजिक का
सिस्टम सब कुछ लगा है, सब कुछ बहुत आसम है। अच्छा म्यूजिक सिस्टम वगैरह यहाँ पे लगा है, बहुत आसम है। वो स्पीकर लगे हैं ये देखो, और इसमें अटैच बाथरूम है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि मतलब पुराना वॉशरूम है, वॉशरूम बहुत मतलब बहुत अच्छा है। जैसे आपका लेटेस्ट वाला आता है तो वैसा है, मतलब जो कुछ बाकी फैसिलिटीज वगैरह आपका सब कुछ है यहाँ, बहुत सब कुछ है। सब्जी वगैरह सब कुछ हम यहाँ से देते हैं, क्योंकि इसमें दवाई खाद वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे प्योर सब्जी आपकी, प्योर सब्जी है ना, मतलब यहाँ पे इसीलिए नोमैडिक लाइफ कहते हैं, क्योंकि 100% प्योर होता है आपका। यहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ भी नहीं लगता, प्याज आपके प्योर है, प्योर लगता है। वो हमारा लहसुन है, लहसुन है ठीक। ये रोहन है, ये सब कुछ फ्रेश मिलता है आपका। तो पिंड है ये, इसको हम पिंड कहते हैं। मतलब अगर कोई ऊपर नीचे से आता है ऊपर के लिए तो यहाँ पे रेस्ट कर सके, बहुत सही है। और यहाँ पे टेम्पलिन वगैरह भी बनाइए, वन सिंगल पर्सन ऑनली, मतलब ये टेम्पलिन भी जा सकते हैं आप। फर्स्ट को देख लो यार, इसको टेम्पलिन पे डर लगता है। आपका झूला वगैरह हां वो हो गया शीशा, ओके वो हो गया ट्री हाउस। ट्री हाउस में आप कैंपिंग कर सकते हैं, हां इसमें भी बुकिंग होती है। अच्छा इसमें भी बुकिंग होती है, सर्विस तरह सब कुछ हम देते हैं इसमें। अच्छा हां ओके, सो यहां पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, जो ट्री हाउस बना है यहां। लुक टेंट वेंट वगैरह सब कुछ देते हैं, सब कुछ है जी, सब कुछ सब कुछ। यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं ना, यहाँ पे नाइट स्टे होता है, नाइट स्टे आप कर सकते हैं, आपका लंच वगैरह यहाँ भी मिल जाएगा, एंड आप टी हाउस पे कैंपिंग कर सकते हैं। देखो भाई बच्चों वाली हरकतें कर रहा है आज ये नजीर भाई, मजा आ रहा है ना यार। तेरे लिए नहीं है भाई ये, बच्चों के लिए छोड़, तू भी झूल ले, तू भी झूल ले। एक एक क्विंटल चढ़ जाता है इसमें, एक एक क्विंटल चढ़ जाता है। मैं तो यार ये गाँव मेरे ख्याल से 50-55 का हूँ, बहुत सही है यार। हाँ जबरदस्त है, आजा ऑसम लग रहा है। हाँ अच्छा पंचिंग बैग भी है यहाँ पे, यहाँ बच्चे ड्राइंग वगैरह करते हैं, उनके लिए ये हाल हमने रखे हैं। ये हाल उनके लिए ड्राइंग वगैरह करते हैं, छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग करते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं, वो स्कूल की तख्तियाँ वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। हाँ मतलब बच्चे आते हैं पढ़ते ड्राइंग करते, जो जुमा के दिन हमने लोकल बच्चों के लिए फ्री रखा है, फ्री रखा है जुमा के दिन, मतलब कोई भी आ सकता है और यहाँ पे ड्राइंग कर सकता है। सिर्फ उनको हम लोकल बच्चों से सिर्फ ट्रम्पलिन का फीस लेते हैं, ट्रम्पलिन का फीस उनसे ले लेते हैं। ये देखो ना फारिस भाई को देखो, झूला झूल रहा है ये, ऑसम है। तो हम यहाँ से ऊपर चल रहे हैं, मतलब सब कुछ है इनका, एवरीथिंग यहीं पे होता है, ये सब कुछ यहीं पे उगाते हैं। खाली खाली ये मीट वगैरह जो है वो मार्केट से ले आते हैं, बाकी इनका सब कुछ यहाँ पे, सब्जियाँ वब्जियाँ सब कुछ आपका यहीं पे आता है। यहाँ पर शावर लगा है, सब कुछ है यहाँ, और मेरा वगैरह साबुन वगैरह सब कुछ है। आप शावर ले सकते हो, और ये देखो नीचे ना बजरे वगैरह जो आपका पानी है ना वो नीचे चला जाता है, और फिर नीचे नीचे चला जाता है, ऐसा है। मतलब कोल्ड शावर आपको कोल्ड शावर है यहाँ साइड से, और जो कि बहुत सही है, बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, लोग एवरीथिंग इज क्लियर भाई, साफ सफाई आपके हर जगह है। एंड यहाँ पर आपका सब्जियाँ सुखाने के लिए ना, सब्जी ड्राई करने के लिए पुदीना है ये शायद, पुदीना है ना ये, और ये साग है, ये साग है यहाँ जमीन का, जमीन का साग है, और उसको सुखाते हैं। अबीज क्या कहते हैं इसका, अबीज बोलते हैं इसको, अबीज। हाँ अच्छा अबीज किसको लगता है, खाने को, खाने को, खाने को इसको बोलते हैं गुल, गुल। हाँ मतलब ये किसका बना है, ये यहाँ जमीन में निकलता है। अच्छा, और मिर्ची भी सुखाते हैं, और यहाँ पे बहुत गर्मी है, टेम्परेचर यहाँ का बहुत। एंड ये क्या है यहाँ पे, कम से कम मुझे लगता है 40 डिग्री से ऊपर गर्मी है। चाचा ये क्या है इधर, ये अखरोट के छिलके, अखरोट छिलके इसके काम आते हैं। ये टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर है कितना है अभी, ये देखो 45 है, 45 डिग्री है यहाँ पे। मतलब भाई ओए मैं तो दम घुट रहा था मेरा अंदर। सो बैडमिंटन वगैरह भी यहाँ पे है, और आप नाइट स्पेंड करते हैं, और नाइट स्पेंड करने को यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा नाइट स्पेंड करने में। और ये चेक करें आप, मिट्टी के बर्तन कभी नहीं खाया है मैंने इसे। हाँ मिट्टी के देखा, ओहे बाउल देख रहे हो ना मिट्टी का, सही है। और बाकी साफ सफाई भाई बहुत अच्छी है। सो फिलहाल हम वहाँ से आए हैं, अभी हम बैठेंगे यहाँ। लोग ये चेक करें, ये देख रहे हो ना पूरा लकड़ी से बना है, बहुत आसम है। ये चेयर भी लकड़ी के हैं, एंड एवरीथिंग मैं कह सकता हूँ एवरीथिंग यहाँ पे लकड़ी का बना है, क्योंकि बहुत सही है। और यहाँ पे लिखा है नो स्मोकिंग, वो हम करते ही नहीं। एंड आपका यहाँ कैरम वगैरह भी है, जो आप खेल सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। एंड बैठने के लिए बहुत प्यारी जगह है भाई, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत है।
एंड हम फिलहाल तो यहाँ पर बैठेंगे। हाँ भाई फारिस, हम बैठेंगे यार, हम अभी लंच का वेट कर रहे हैं। लंच आते ही हम ना फिर और शूट करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। सुना दस्तरखान बिछ चुका है हमारा। लोग फारिस भाई को ना भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, मेरे को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो हम वेट कर रहे हैं कि हमारा लंच आ जाए जल्दी से। भाई भयंकर भूख लग रही है फारिस भाई, क्या बहुत यार बहुत भूख लग रही है। ये चेक करें आप, मिट्टी का बर्तन है ना ये पूरा, जो देख रहे हैं मिट्टी का है। हम मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं, बहुत अमेजिंग है, बहुत सही आ जाएगा, इसका टेस्ट भी बहुत बहुत सही होगा। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। हाँ ये चेक करें आप, सब्जी है ना ये, सब्जी आई है वो भी मिट्टी के बर्तन में। मटन है ये, वो भी मिट्टी के बर्तन में। आपका अचार है जो कि हैंडमेड है, यहाँ का स्पेशल है, वो भी हमें इसके साथ मिल जाएगा। तो फटाफट से इस लंच को करते हैं ख़त्म एंड मिलते हैं आपसे लंच के बाद। अब यहाँ के ऑनर मिल चुके हैं फयाज़ अहमद, इनसे बात करके पूछते हैं कि मतलब इन प्लेस के बारे में पूछते हैं। फयाज़ जी, आप हमें ये कहिए कि ये कब स्टार्ट हुआ, ये कब बना यहाँ पे, और आइडिया कैसे आया आपको, मतलब इतना अच्छा आपने यहाँ पे बनाया, नेचर ज़बरदस्त है यहाँ का, और हाँ कश्मीर का जो कल्चर है, ओल्ड कल्चर, वो आपने ज़िंदा रखा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। थैंक यू। आप ये मेन सिटी के साथ ही आपका पड़ता है, कुछ किलोमीटर का फासला है, अच्छी खासी प्लेस है, एंड आपने जो कश्मीर का कल्चर जिंदा रखा उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा है। तो आप थोड़ा सा बताइए मतलब यहाँ के बारे में। जी ज़रूर, ये काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे आपने, तो इनका जवाब काफ़ी लंबा लंबा हो सकता है, मगर क्योंकि ये वीलॉग है तो मैं कोशिश करूँगा कि ब्रीफ मैं आपको थोड़ा स्टोरी का सेंस दूँ। मैं यहाँ एक लोकल गांव का ही गांव में ही पला बड़ा हूँ, और फिर एजुकेशन के सिलसिले में और काम के सिलसिले में आई ट्रैवल्ड हेयर एंड देयर, तो फाइनली 2010 में मैं वापस आया, और प्राइमरली कि यहाँ के जवान यूथ के साथ थोड़ा काम करने के लिए, टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड माय लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ। तो उस दौरान उस काम से फिर हमको समझ में आया कि लाइवलीहुड्स का यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। आजकल के जो हमारे जवान लोग हैं उनको उनके दिमाग में जो एक बहुत बड़ा सवाल होता है वो होता है लाइवलीहुड का, कि खाएंगे कमाएंगे कैसे। और उस चक्कर में काफ़ी सारे हमारे लोग हैं, आई वुड से मोर देन 95% और इवन 99% एंड अप सैक्रिफाइसिंग ऑल देयर ड्रीम्स फॉर सिक्योरिटी। तो जो क्रिएटिविटी है वो उनको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है सिक्योरिटी के लिए। तो हमको जो वसाइल कुदरत ने नवाज, जिन वसाइल से हमको कुदरत ने नवाजा है, चाहे वो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, और हमारे जो कल्चरल वसाइल हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने तौर तरीके हम यहाँ इस जगह में रहने के लिए, रहन सहन के लिए अपनाए थे, उनका हम बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और फिर आजकल के टाइम में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको भी फिर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ, और अपनी जो हमारी पर्सनल जर्नी होती है, पर्सनल एस्पिरेशंस होती हैं, पर्सनल ड्रीम्स होते हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट करके एक लाइवलीहुड डिज़ाइन किया जा सकता है, एक बिजनेस बनाया जा सकता है, जो बाय डिज़ाइन हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करे और हमारे खुशहाली को इम्प्रूव करे और हमारे कम्युनिटी को इम्प्रूव करे, हम एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करे। तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप, विच इज़ इंटीग्रेटिंग नेचुरल कल्चरल ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इन अ वे एंड मैनर दैट क्रिएट्स अ बिजनेस, बट दैट बिजनेस इनहेरेंटली बाय डिज़ाइन इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ इकोलॉजी। तो ये एक छोटा सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आप भी जिक्र कर रहे थे कि नेचर को भी प्रिजर्व किया है, कल्चर को भी ज़िंदा किया है। और कल्चर के बारे में मैं एक चीज़ बताऊं, आप शहर में के रहने वाले हैं और शहरों में भी बहुत रिच कल्चर होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने क्या किया है, अभी कुछ डेकेड्स की ही कहानी है ये, कि हमने सीधा कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया जो बाहर के मॉडल थे, जो चाहे वो अट्रैक्टिव थे, वो किस लिहाज से अट्रैक्टिव थे और किस लिहाज से वो पुश किए गए वो अलग डिबेट है, मगर वो हमने सीधे उठाए और पेस्ट कर दिए। तो हमने अपने कल्चर को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से जो काफ़ी सारे स्ट्रेसेस पैदा हो गए हैं हमारे समाज में, हमारी ज़िंदगियों में, वो सेहत के रंग से, वो जहानियत के रंग से, और काफ़ी सारे लोग अनकम्फर्टेबल हैं और डिस्ट्रेसफुल लाइव्स
जिंदगियां जी रहे हैं विच इज़ अननेसेसरी। तो अगर हम थोड़ा जायज़ा लें अपने कुदरती वसाइल का, अपने कल्चरल रिसोर्सेज हैं और अपनी ह्यूमन कैपेसिटी का, मोर एसेंशियली कि हमको कुदरत ने डिज़ाइन किया है, अभी जो लेटेस्ट कटिंग एज साइंस है दैट नाउ एग्रीज विद आवर कल्चरल विजडम कि ह्यूमन लाइफ इज़ अ स्पेशल क्रिएशन, वी आर दी बेस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, तो वी आर सपोज टू टेक ऑन चैलेंजेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट टेक फॉरवर्ड द एवोल्यूशन। तो अगर हम उस रोल को अपने को पहचाने कि हम इंसान हैं और हमारा रोल क्या है और हमको कुदरत ने कहाँ पे प्लेस किया है और हमारे अराउंड क्या वसाइल हैं, और अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा इनका जायज़ा लें तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी काफ़ी और फुलफिलिंग बनेगी। हम अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने लिए लाइवलीहुड भी जनरेट कर सकते हैं, हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स जो अराउंड हैं हमारे बहुत सारी उनको सॉल्व कर सकते हैं और हम अपने एनवायरनमेंट को भी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। थैंक फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सो मैं बताऊंगा, ये एक मैन है जो बैंड इस ब्यूटीफुल से प्लेस के, एंड दिस इज द मैन जो पूरे इस प्लेस जो दिख रहे हैं आपको, जो मैंने अभी व्लॉग में दिखाई, तो ये इसके बैंड है आपका। सो फायर साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा, यहाँ के ऑनर है, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे अच्छे से इसको विज़िट करो, बहुत बहुत खूबसूरत प्लेस है, बहुत अच्छी प्लेस है, एंड शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी। सो ये मैन है जो बैंड है इसके, जब यहाँ से इस व्यू का मजा लेके, इस ब्यूटीफुल से जगह को मज़ा लेके हम चलते हैं अपने घर की तरफ वापस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, फी अमान अल्लाह।